नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे कि हमारे यूट्यूब चैनल हमने बनाया है लेकिन आई डोंट हैव एनी व्यूज़ और हमारे व्यूज़ काफ़ी कम होते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए जब भी आप शुरू कर रहे हैं, शुरुआत हो रही है आपकी, तो आपको सबसे पहले तो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि आप पहली बार हमारे चैनल में आए हैं तो सबसे पहले मैं यही कहूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी करिए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई सवाल होगा तो वो कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो आज के जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन यूट्यूब चैनल। देखिए व्यूज़ इम्पॉर्टेंट है लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है माइंडसेट। आप एक सबसे पहले अच्छे से अच्छा वीडियो बनाएं, है ना। अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले ये समझें कि अगर आपके इस वीडियो को कोई देखेगा तो क्यों देखेगा। जैसे कि मैं ढूंढता आ रहा हूँ कि कैसे मैं YouTube में ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ निकालूं, या मेरे वीडियोस में व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है, है ना। तो मैं सर्च करूंगा और मैं ऐसे वीडियो पे पहुंचना चाहूंगा जो मेरे को इन्फॉर्मेशन शेयर करे। तो जैसे कि मैं आपको अपने एक्सपीरियंस को शेयर करता हूं कि मैं क्या सोचता हूं। देखिए सबसे पहले हम ये कहेंगे कि वीडियो SEO इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई टोटली एग्री टू इट, है ना। वीडियो SEO ज़रूरी है लेकिन क्या आपको पता है जो कंटेंट आप बना रहे हैं अगर उसमें ये ना हो कि फॉर एग्जांपल मेरा जो टाइटल है या मैं टाइटल रख रहा हूँ कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ ऑन योर यूट्यूब चैनल इफ़ यू आर न्यू। अगर आप नए हैं, आपका चैनल नया है, तो कैसे ज़्यादा व्यूज़ आप ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं ये कहूँगा टाइटल बहुत इंपॉर्टेंट होता है लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि क्या कीवर्ड आप पिक कर रहे हैं, है ना। क्योंकि देखिए कीवर्ड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जिसको आप टारगेट करने सोच रहे हैं। अब कीवर्ड क्या है, जैसे कि कीवर्ड दो तरह के होते हैं, जैसे हम बात करेंगे लॉन्ग टेल कीवर्ड एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड, है ना। एक कीवर्ड होता है कि हाउ टू गेट मोर व्यूज़ और दूसरा कीवर्ड होता है हाउ टू गेट मोर व्यूज़ फॉर न्यू यूट्यूबर्स। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड हो गया और काफ़ी नैरो डाउन एक सोचें कि नैरो डाउन एक लोगों को आप ढूंढ रहे हो जो कि ये चाह रहे हैं, जो नए हैं यूट्यूब में वो चाह रहे हैं उनके व्यूज़ बढ़े, है ना। साथ ही साथ जैसे आपने टाइटल को डिफाइन किया तो ऑटोमेटिकली जब आप नैरो करते हो तो आपका कंपटीशन लेवल कम हो जाता है और डेफिनेटली ये जो सर्च टर्म है ये लोग सर्च भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो ग्रो यूट्यूब कर जाता है या यूट्यूब चैनल जो ग्रो कर जाता है वो जनरली इस पे ज़्यादा फोकस ही नहीं करता कि मेरा व्यूज़ बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनका व्यूज़ बढ़ता है, है ना। कौन सर्च कर रहा होता है, जो नए हैं स्पेशली वो ये सर्च करना चाहते हैं भाई और कैसे हम व्यू लाएं अपने अपने नए वीडियोज में। तो अब ये समझें, पहला है टाइटल एंड कीवर्ड, जो कीवर्ड आप चूज कर रहे हो। दूसरी बात, जो कंटेंट आप बना रहे हो वो उसके रिलेटेड होना चाहिए। कोशिश आप ये करें कि आप प्रॉपरली समझाने की कोशिश करें जो टॉपिक पे आप बात कर रहे हो। दूसरी बात ये होती है कि डिस्क्रिप्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कई लोग हम डिस्क्रिप्शन को भूल जाते हैं। जैसे कि आप एक ब्लॉग लिखते हैं, ब्लॉग में आप प्रॉपर डिटेल में एक डिस्क्रिप्शन होता है या उसके एक्सपीरियंस आप शेयर करते हैं, वैसे ही यूट्यूब का जो भी डिस्क्रिप्शन टैब होगा वहाँ पे भी आपको प्रॉपर तरीके से अपने वीडियो को डिटेल में एक्सप्लेनेशन करना है इन अ रिटन फॉर्मेट। तो उसका तरीका बहुत सारे हैं, मैं अपने कोर्सेज में उसको बताता हूँ कि कैसे ये जल्दी आप कर सकें, क्योंकि देखिए हर चीज़ में टाइम लगता है। आप देखोगे 2 मिनट का वीडियो बनाने में कई बार बहुत सारा टाइम लग जाता है, फिर आप देखते हो यार 1, 2, 10 व्यू, कोई बात नहीं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट है आप टाइटल डिफाइन करें, अच्छा टॉपिक डिफाइन करें, लॉन्ग टेल कीवर्ड लीजिए, अच्छा डिस्क्रिप्शन सेट करें। सब कुछ होने के बाद उसके बाद टैग्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप टैग्स को भी, जो भी यूट्यूब के टैग्स हैं उनको भी अच्छे से आप उनको रिफॉर्म करें। देखिए कि किस तरह की चीज़ें सर्च हो रही हैं यूट्यूब में, तरीके हैं, आप टाइप करोगे 2-3 वर्ड तो ऑटोमेटिकली यूट्यूब सजेस्ट करता है कि लोग किस तरह की चीज़ें ढूंढ रहे हैं, है ना। तो वो आप डेफिनेटली वहाँ पर सर्च कर सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद जो भी कंटेंट आप बना रहे हैं उस कंटेंट के अंदर आप अपने मेन कीवर्ड को जरूर बोलें, जैसे YouTube व्यूज, हाउ टू सर्च YouTube, हाउ टू इंक्रीज योर YouTube व्यूज। आप देखेंगे ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पे भी हमने ये टर्म को काफ़ी बार डिस्कस किया है, ताकि YouTube एल्गोरिथम जब कैप्शनिंग करेगा ऑटोमेटिक या उसको स्कैन करेगा आपके वीडियो को, उसको कीवर्ड्स के बारे में भी पता चले कि जो कीवर्ड पे आप काम कर रहे हो या जिस कीवर्ड रिलेटेड क्या ये वीडियो है या नहीं। ऑटोमेटिकली जब YouTube देखेगा कि ये कीवर्ड उसके रिलेटेड है तो वो उसको प्रमोट करने की कोशिश करेगा।
वीडियो रिकमेंडेशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिस पे हमें काम करना चाहिए। वो क्या होता है कि सोचे कि दूसरे किसी का वीडियो है सेम टॉपिक पे, अगर हम मिलता जुलता टॉपिक पे बोलते हैं, अगर उसके वीडियोस में ज़्यादा व्यू हैं, ऑटोमेटिकली यूट्यूब क्या करता है, आपके वीडियो को भी उसके वीडियो से सजेस्ट करता है, उससे भी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। तो इसलिए हम ये भी कर सकते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो ट्रेंडिंग में चल रहा है उसको आप देखो और उसी के रिलेटेड आप अपना एक कंटेंट बनाओ, डेफिनेटली उससे भी आपको अच्छे व्यूज़ और अच्छे रिजल्ट आपके आपके वीडियो पे मिलेंगे। आखिरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, आपको हार नहीं मानना है, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियो बनाने हैं, क्योंकि आप अगर कंटिन्यूस बेसिस पे वीडियो बनाओगे आज नहीं तो कल यूट्यूब को ये लगता है कि भाई आप ऐसे कंटेंट बना रहे हो, आपने हार नहीं माना। दूसरी बात, आप जो कंटेंट बना रहे हो उसमें इम्प्रूवमेंट ऑटोमेटिकली आएगा, जैसे आप इम्प्रूवमेंट लाते रहोगे तो आपके वीडियोज़ में व्यूज़ भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। कैसे? देखिए, जब भी आप अच्छे वीडियोज़ बनाओगे तो डेफिनेटली आपके व्यूअरशिप ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। अगर एक जने को भी अच्छा लगा वो ज़रूर उसको शेयर करेगा। तो आप ये सोचें, आप वीडियो अच्छा बनाएं अपनी तरफ से और सामने वाला जो देख रहा है वो आपका साथ ज़रूर देगा और उस वीडियो को शेयर ज़रूर करेगा। अगर आपका वीडियो अच्छा है, उससे उसे लाभ हो रहा है, डेफिनेटली ही विल शेयर। तो जैसे ही वो वीडियो को शेयर करता है तो डेफिनेटली देर इज़ अ चांस कि व्यू और भी बढ़े। व्यू के साथ साथ आपके वॉच टाइम भी इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके वीडियो में लोग जुड़े रहें काफ़ी टाइम तक। YouTube इसको भी बहुत इंपॉर्टेंस देता है। सोचे कि आपने व्यू तो ले लिया लेकिन कुछ ही सेकंड बाद आपके वीडियो को छोड़ के कोई चला गया तो फिर क्या होगा? तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वीडियो में वो बात नहीं है और YouTube सोचता है ठीक है, अगर इसमें रिटेंशन पीरियड नहीं मिल रहा, मतलब लॉन्ग टर्म कोई जुड़ नहीं रहा आपके वीडियो से, तो क्यों आपके वीडियो को प्रमोट करें। तो इसलिए आपके वीडियो में आप कोशिश करें सही इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए, ताकि लोगों को वो हेल्पफुल हो, वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और उनको डेफिनेटली फ़ायदा हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, इस वीडियो में कुछ ना कुछ मैंने पॉजिटिव बताने की कोशिश करी और हार नहीं मानना है, वीडियो आप बनाते रहें। जितना अच्छा वीडियो बनाएंगे आपका इम्प्रूवमेंट भी होगा, आपको अच्छा भी लगेगा। एक भी कमेंट आएगा तो आपको लगेगा वाह लोग तो देख रहे हैं, चलो मैं और अच्छा एफर्ट दूंगा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो बेस्ट ऑफ लक। तो मैं यही कहूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाएं और अच्छे वीडियो बनाएं, गुड क्वालिटी वीडियो बनाएं, ताकि लोगों को आपका वीडियो देखने पे, चाहे एक जना भी देखता हो तो ज़रूर उसको लाइक करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर भी ज़रूर कीजिए। थैंक यू, नमस्ते।